नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33। दोस्तों ये बहुत ही आसान आर्टिकल है, आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 33 है ये हमारी पार्लियामेंट को एक पावर देता है, एंड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को देता है, जो स्टेट की विधानसभा है उनके पास ये पावर नहीं है। यहाँ पे जो शब्द इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ हमारे जो संसद है, हमारा संसद भवन है भारत का, सिर्फ उसी के पास ये पावर है। कैसी पावर है दोस्तों? कि वो मे बाय लॉ यानी हमारी जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कानून पास कर सकती है जिससे कि वो क्या करें, हमारी आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दे। मतलब ये दोस्तों पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं इनके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकें। अब दोस्तों सस्पेंड क्यों करते हैं अभी वो भी मैं आपको बताता हूं। एंड दोस्तों इसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस ही नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, जैसे कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, देन आईबी दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, पुलिस फोर्सेस। एंड दोस्तों आर्म फोर्सेस में क्या इंक्लूड है? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एंड दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसी के अंदर आता है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। दोस्तों संविधान ने ये शक्ति प्रदान कर रखी है किसको? पार्लियामेंट को। अब ये ऐसा क्यों है दोस्तों? आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेस है, ये हमारे देश की रक्षा में लगी हुई है। मतलब बॉर्डर्स पे ये सब लोग तैनात रहते हैं ताकि हमारे देश को कोई बाहर के लोग आके कब्जा ना करें। इसलिए दोस्तों आर्मी की जॉब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों इनके किस टाइप के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं? एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसको कैसे समझाऊं दोस्तों आपको, आप इसको समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा कोई भाई है एंड वो आर्म फोर्सेस में काम करता है, तो मैं उससे कॉल पे बात करता हूं एंड उसका हालचाल लेता हूं, फिर पूछता हूं भाई कहां पर पोस्टेड है। दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि आर्म फोर्सेस के लोग कहां पे पोस्टेड होते हैं ये किसी को भी नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा की बात रहती है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मान लीजिए मेरे भाई ने मेरे को बता दिया फोन पे, दोस्तों फोन पे बता रहा है, वो दूर है मेरे से, वो फोन पे बताता है कि मैं इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के इस एरिया में लोकेटेड हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों मेरे फोन को कोई दुश्मन टैप कर रहा है, दैट इज फोन टैपिंग जिसे कहते हैं, कि मेरे फोन पे एक तरह से निगरानी रखी जा रही है, तो मेरे फोन के जरिए उन जो दुश्मन होंगे, जो आतंकवादी होंगे, उनको क्या पता चल रहा है? हमारी आर्मी की लोकेशन पता चल रही है दोस्तों। इसलिए ये चीज हमारे देश के लिए खतरा बन सकती है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनका इसलिए दोस्तों कर्टेल किया जाता है, ताकि वो ऐसा बाद में क्लेम ना करें कि हमारी फ्रीडम, हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसको हमसे छीना जा रहा है। दोस्तों जब इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है ना, तो उस लेटर पे साफ साफ लिखा होता है कि जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं ये वॉलंटरिली यानी अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, वेव्ड ऑफ। मतलब वो खुद से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें देश की सेवा करनी है, हमें फंडामेंटल राइट से मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, वेव्ड ऑफ, उन्होंने खुद से ही अपने फंडामेंटल राइट्स को दे दिया वॉलंटरिली। अब दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि एक तरह से जब उनको जॉब दी जा रही थी तो उनसे एक तरह से पहले ही परमिशन ले ली थी। अपॉइंटमेंट लेटर पे दोस्तों उन्होंने साइन किया है एंड अपॉइंटमेंट लेटर पे ये लाइन लिखी हुई है। तो आर्मी बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते आर्मी के लोग कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास दोस्तों पावर है कि वो सस्पेंड कर सकती है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। एंड दोस्तों आर्मी का मतलब यही नहीं कि सिर्फ जो बॉर्डर पे तैनात है, आर्मी के जितने भी लोग हैं, चाहे वहां का चौकीदार हो, चाहे खाना बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे बारबर हो, चाहे साफ सफाई करने वाला हो, जिसका भी कनेक्शन आर्मी से है, उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। रीजन मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया, क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा की बात रहती है, इसलिए आर्मी के लोगों को दोस्तों आपने देखा होगा ज्यादातर इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसे छीन लिया जाता है। आपने देखा होगा कि न्यूज में भी ये लोग अपने जैसे प्रेस जो होता है, न्यूज होती है, टीवी चैनल्स होते हैं, वहां पे भी आके ये इंटरव्यू वगैरह नहीं देते, क्योंकि इनको रोका जाता है कि ये कुछ भी ना बोले। जो भी सीनियर लोग बोलते हैं, लेफ्टिनेंट हो गए, जनरल हो गए, ये भी दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन से बोलते हैं, यानी कि जो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन रखा है क्योंकि
हमारे जो देश की सुरक्षा की बात है दोस्तों। एंड दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, ये लोग अपना यूनियन भी नहीं बना सकते, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की एक ग्रुप बना लें, फिर उसका यूनियन लीडर बना दें, फिर वो बाद में हड़ताल पे बैठे, ऐसा कुछ भी दोस्तों इनके साथ नहीं है। इन लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है कौन? पार्लियामेंट। इसलिए दोस्तों पार्लियामेंट ने एक्ट बना रखे हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, ऐसे अलग अलग एक्ट बना रखे हैं जिस एक्ट के तहत इनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। दोस्तों मेन शब्द है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट की जो विधानसभा होती है वो उसका इसमें कोई भी रोल नहीं होता। बस दोस्तों इतनी सी ही बात थी आर्टिकल 33 में कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 33 बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।